बदायूं की खबर पर जहां डबल मर्डर हुआ है उस पर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। आरोपी जावेद ने सरेंडर कर दिया है। बरेली के बारादरी थाने की सैटेलाइट चौकी में सरेंडर किया गया है। आरोपी जावेद ने कहा है कि हत्या की जानकारी मिलते ही वो इतना डर गया कि दिल्ली भाग गया और अब सरेंडर इसने किया है। अब इससे होंगे सवाल और वो सही वजह जानने की इससे सवाल पूछ के कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इतनी बेरहमी से दो मासूम बच्चों को मौत के घाट क्यों उतारा गया। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पुष्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देखिए, ये वो शख्स है जिसके लिए चार टीमें बनाई गई थी, जिसको अब धर दबोचा गया है। हालांकि इसने सरेंडर किया है, लेकिन अब इससे होगी पूछताछ, क्योंकि इसका वो साथी जिसे तीन गोलियां लगी हैं पुलिस एनकाउंटर में, वो ढेर हो चुका है। इसकी तलाश की जा रही थी सरगर्मी से और अब इसके पकड़े जाने के बाद होंगे उन सवालों के जवाब इससे लिए जाएंगे जिनके जवाब आज पूरे देश जानना चाहता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ना सिर्फ बदायूं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश इस पूरे घटनाक्रम के बाद हिल गया। हर